बरादरी है, जैसे मैंने कहा कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जान है। इसके लिए मैं चंद आपको पढ़ता हूं कि जो आज की कुरानदागी है, जिसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो कितने हैं जो जो बरादरी दे रही है। अभी भी कूपन भर के बेचना चाहे तो खाने के बाद, क्योंकि जो कुरानदागी होनी है, इसमें मोटरसाइकिल 20 है जो आज आप लोगों को दिए जा रहे हैं, 20। उम्रे के टिकट 12 हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। दुबई का एक टिकट है जो आपको दिया जा रहा है। किचन आइटम जो है, जो किचन में इस्तेमाल आप करते हैं, वो 45 है। LED जो TV है वो 4 है। और गिफ्ट हैम्पर जो है वो तो कई 100 है, जो आज की तकरीब में हमारी रियल एस्टेट बरादरी की तरफ से जो आपको दिए जा रहे हैं इस फंक्शन को कलरफुल बनाने के लिए। तो इस फंक्शन की तकरीब तरतीब को इस तरह होगी कि मेरी तकरीब के फौरन बाद खाना खुलेगा, उस दौरान भी अगर आप कूपन डालना चाहें तो डालें। मेरी तकरीब के फौरन बाद, एक मिनट के लिए माजरत गलती होगी थोड़ी सी, मेरी तकरीब के फौरन बाद फुल मेंबरों को की कुरानदाजी होगी। उसके एक मिनट बाद जो 5 इंस्टॉलमेंट है उनकी कुरानदाजी होगी। उसके बाद फौरी तौर पे खाना खुलेगा, आप वापस आए, अपने कुरानदाजी के रिजल्ट भी देख लें, और फिर जो आपके गिफ्ट हैम्पर है वो हम तकसीम करेंगे, क्योंकि बाहर मौसम की वजह से हम थोड़ा सा तब्दील करें, देखें ये बारिश भी हो रही है। अब मैं एक लोगों का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो है हमारे मेंबर। किसी भी ब्रांड का कोई प्राइड होते हैं, हमारा प्राइड हमारे मेंबर है। हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो अपने मेंबर को दी है। हमने जब भी जरूरतों का ख्याल रखा है अपने मेंबर के लिए रखा है। हम ये समझते हैं हमारी कामयाबी के पीछे जो असर राज है वो हमारे मेंबर का है, वो आप लोग हैं। हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारी रियल एस्टेट बरादरी है, जो एंड यूजर है, जो हमारे मेंबर है, उन्होंने जो 27 साल मेरी जो रियल एस्टेट की हिस्ट्री है उसके ऊपर जो अतमाद किया है कि हम जब भी प्रोजेक्ट लाए हैं, 20,000 कनाल का लाए हैं, 50,000 कनाल का लाए हैं, 5,000 कनाल का लाए हैं, जहां भी लाए हैं, लोकेशन पूछे बगैर, कीमत पूछे बगैर, उन्होंने रात और रात बुकिंग की बगैर टीवी के, बगैर अखबारों के, बगैर बिल बोर्ड लगाए, बगैर शोर शराबा किए, 24 घंटे में, 48 घंटे में उन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो है हमारा बुक किया और खरीद लिया। ये हमारी जो मेंबर है, ये जो लोग हैं, ये है हमारा असल सरमाया। इंशाल्लाह ताला हम उन लोगों का, वो उन लोगों का कमाल वो कभी शेक नहीं होने देंगे। हमारी सारी मेहनत उन लोगों के लिए है जो हमारे ऊपर अपनी जमाशुदा पूंजी, सारी जिंदगी की कमाई जो हक हलाल से उन्होंने जमा की है, वो उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी रकमों को अमानते समझना और उनको वो अमानते वापस लुटाना जिस वादे के साथ चली है, ये है हमारा असल सरमाया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मेंबर का और फैसल टाउन का आपस में रिश्ता है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इससे भी मजबूत 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 तर होता जा रहा है। तो मैं उन दोस्तों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें इज्जत पहुंची। अब मैं मेरे आज के फंक्शन में मेरे भाई बैठे हैं, उनका भी मैं और उनकी फैमिली का, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी आवाज़ पे लबैक कहा और देर रात अपनी नींदों को छोड़ के, अपनी कमिटमेंट को, पर्सनल को छोड़ के इस फैसले का उनकी तरक्की में करदार अदा किया। तो मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने बेटों का भी माशाल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हालांकि वो बाहर पढ़ते हैं, वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने वो थोड़ा सा टाइम भी जो है वो आपके लिए खिदमत के लिए लगाया। अभी वो वापस जाएंगे, पढ़ेंगे, खुदा पाक उनको उनके इरादों में कामयाब करे। उसके अलावा मैं एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो है मेरी बेगम। उन्होंने अपनी जिंदगी मेरे साथ लगाई, एक काम के साथ लगाई, उन्होंने मेरे शेरों जैसे बच्चों की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तरबियत, मेरे घर को संभाला, मेरी हर दूध का ख्याल रखा। जब मैं इतना बड़ा कारोबार करता था तो मैं अपने घर की तरफ से बड़ा मुतमिन रहा पूरी जिंदगी। इसलिए वो अल्लाह पाक ने जो मैं काम करना चाहता था वो मैं घर की तरफ से हमेशा मुतमिन रहा। तो मेरी आप दोस्तों से भी दरखास्त है कि अगर आप दोस्तों जो खवातीन वजूद हैं वो भी
चाहती है कि उनके सामने वो किसी फील्ड में तरक्की करें, तो वो उनकी वो भी ख्याल करें कि किस तरीके से उनकी जरूरियात पूरी करें, ताकि वो घर में अगर हाथ बटाए तो मर्द हजरात जो है वो बाहर का स्कूल से जाकर काम करें। तो आपको पता है मैंने कभी जिंदगी में कोई शेर ज्यादा नहीं पढ़े, एक आध शेर कभी किसी तकरीर में कोई हूँ बहुत मैं पढ़ता हूँ। तो आज मैं अपनी बेगम के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। वो जहर देकर मारती तो दुनिया में बदनाम हो जाती। वो जहर देकर मारती तो दुनिया की नजर में आ जाती, अंदाजे कत्ल तो देखो मुझसे शादी कर ली। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम साथ में कोशिश करता हूँ बड़ी स्पीड से इसको वाइंड अप करूँ।